नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, पहली बार रेलवे ने ग्रुप डी को लेकर एक नोटिस जारी करा है जो इनकी वैकेंसी को लेकर है, जिसके अंदर अगर आप इस लाइन पर फोकस कराओ, इस नोटिस को पूरा पढ़ाऊंगा, परंतु अभी सबसे मेन जो लाइन है, एज देयर इज अ ह्यूज वैकेंसीज ऑफ TMTR यानी ट्रैक मेंटेनर पोस्ट इन NF रेलवे यानी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ऑलमोस्ट 30% पोस्ट आर लाइंग वैकेंट, यानी कहीं ना कहीं जितनी भी टोटल वहां पर लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे पर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे पर, उसका 30% अभी वैकेंसीज वहां पर खाली हैं। अब अगर हम ये देखना चाहें कि कितने टोटल वर्कर्स होंगे ट्रैक मेंटेनर के और कितना 30% उसका बनता है, तो उसको आप ऐसे समझिए, अभी तक टोटल ग्रुप डी की अगर बात करें, ग्रुप डी ग्रुप सी की, तो टोटल 18 लाख के करीब वहां पर क्या है पोस्ट, मतलब भर्तियां हैं, मतलब टोटल आज के टाइम पर इंडियन रेलवे में 18 लाख लोग काम करें सिर्फ ग्रुप सी ग्रुप डी में। और अगर ट्रैक मेंटेनर की बात करें तो 50% जो टोटल 18 लाख है, इसका 50% कहीं ना कहीं सिर्फ ट्रैक मेंटेनर ही होते हैं। रेलवे में सबसे ज्यादा ट्रैक मेंटेनर के ही, सबसे ज्यादा काम ही ट्रैक मेंटेनर का। अगर आप देखो तो ट्रैक मेंटेन होता रहे तो आपकी रेलगाड़ी सही सलामत चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि इसका आधा 9 लाख का, अगर मैं 30% निकालने की मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बात कहूँ, 30% कितना बनता है 9 लाख का, 9 लाख का 30% बनेगा 2,70,000। पर कुछ बच्चे कहें सर परफेक्ट 9 ही लाख क्यों हो, कम भी तो हो सकता है, तो हम कम से कम लेकर चलते हैं, मान लो 7 लाख ट्रैक मेंटेनर है, तो 7 लाख का 30% 7,321 यानी कर अप्रोक्स 2,10,000 यानी हम मान लेते हैं 2 लाख पोस्ट अभी भी ट्रैक मेंटेनर की यहाँ पर है। इसके बारे में एक नोटिस भी जारी करा था कि कहीं ना कहीं 2000 रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2024 के बारे में बताएंगे, जिसके तहत कुल 1,17,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद जल्दी ये गूगल पे है, ये मैंने गूगल पे सर्च करा है ये वाली चीज, ये नोटिस उन्होंने दिया है। ये नोटिस कब का है मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, 29/8/2024 का नया नोटिस है, जिसे आप खुद भी रेलवे के बोर्ड पर जाकर देख सकते हो। 29/8/2024 का नोटिस था, आप कोई सा भी रेलवे का नॉर्थ रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर खोलोगे तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे खोलोगे तो आपको ये नोटिस मिल जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद फिर मैंने देखना चाहा कि यार 30% कितना बनता है, 30% तब निकाल पाऊंगा जब टोटल बताओ, तो टोटल गूगल पे सर्च करा 18 लाख आया। फिर उसके बाद 18 में से मैंने देखा कितने लोग होते हैं जो ट्रैक मेंटेनर की जॉब कर रहे होते हैं, तो बताया गया कि टोटल वैकेंसी का 50% जो होता है ट्रैक मेंटेनर होते हैं, तो मैंने 9 लाख ले लिया। इस तरह से 2,70,000 के करीब अभी भी उनको जरूरत है, आज के टाइम पे जरूरत है, कल के टाइम पे नहीं, आज के समय पे 2,70,000 वैकेंसी की जरूरत है। अब इस नोटिस को पढ़ लेते हैं, नोटिस क्या कह रहा है। तो मेरे भाई नोटिस पर आते, और ये वाली जो मैंने ये सर्च कराई 28 जुलाई 2024 को डाला था, अभी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये पद भर चुके होंगे, तो अब कितने आने हैं वो एक अलग चीज है, पर इस नोटिस को पढ़ लेते हैं किसके रिगार्डिंग है। तो देखिए नोटिस जो दिया गया वो ये नोटिस है, इसके अंदर क्या कहा गया है इसको पूरी तरह से ध्यान से पढ़ते हैं। तो इस नोटिस में क्या कहा गया है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, आगे कहा गया है, सब्जेक्ट फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ ALP टावर वैगन ड्राइवर एटेक्सना, नीचे क्या गया है, देयर इज अ ह्यूज वैकेंसी ऑफ TMTR यानी ट्रैक मेंटेनर पोस्ट इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ऑलमोस्ट 30% पोस्ट लाइंग वैकेंट, कहीं ना कहीं 30% वैकेंसी ऐसी है जो अभी खाली पड़ी है, विच इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट इन द फील्ड। इन एडिशन अगर देखा जाए तो रेलवे को सही सलामत चलाने के लिए, सेफ्टी सही सलामत रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट ट्रैक मेंटेनर की मांगी जाती है। परंतु अभी आपको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो पता लगेगा जिनके ऊपर पूरा रेलवे का सिस्टम टिका हुआ है, उनका पूरा सिस्टम किस तरह से रेलवे खराब करने जा रही है, उनकी लाइफ के साथ थोड़ा खिलवाड़ करने जा रही है। इसके लिए मैं रेलवे से हाथ जोड़कर कहूंगा कि थोड़ा इन बच्चों पर ध्यान दें जो बड़े पद पर बैठे हैं, जो शायद उन्हें पता भी ना हो किस तरह की चीजें, उन लोगों के को कोई भी बच्चा चाहे जो ग्रुप डी तैयारी कर रहा हो ट्रैक मेंटेनर की जॉब नहीं करेगा, और अगर ट्रैक मेंटेनर की कोई जॉब नहीं करेगा तो रेलवे का सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा, जो हमारी व्यवस्था है रेलवे की खराब हो जाएगी, सेफ्टी कैटेगरी सारी धुआं धुआं हो जाएगी। क्यों, देखिए गाइस इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए पहली लाइन से आप समझिए टोटल का 30% वहां पर वैकेंट है, कहने का मतलब यह है कि मेरे पास यहाँ 10 लोगों की जरूरत है तो मुझ पर 3 लोगों की कमी है, तो पहली बात तो काम पहले ही डिले हो गया, यानी सेफ्टी के सबसे जरूरी जो लोग हैं वो हम पे कम है। उसके बाद कहा गया है कि विच इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट इन द फील्ड, इन एडिशन न्यू एसेट्स आर आल्सो बीइंग एडेड एवरी ईयर विदाउट एनी इनपुट ऑन मैन पावर, सो डिवीजन शुड नॉट फॉरवर्ड एनी एप्लीकेशन ऑफ
ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी फॉर सच लेटरल एंट्री एसेट म्यूचुअल ट्रांसफर एंड ट्रांसफर्स ऑन स्पाउस ग्रांट अंटिल द वैकेंसीज आर लिक्विडेटेड टू अ रिस्पांसिबल लेवल। कहने का मतलब यह है कि जितने भी ट्रैक मेंटेनर है भाई, सारे के सारे लोग आपको पता होगा जो एक बार जॉब ले लेते हैं, जो जिनकी लग चुकी है, तो वो इंटरनल एग्जाम्स निकलते हैं, इंटरनल एग्जाम देकर वो अपनी पोस्टों को बढ़ा लेते हैं, यानी कि बड़ी पोस्टों पर चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स मैन होते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं ग्रुप डी के तहत, अब उसमें एक ट्रैक मेंटेनर भी होता है। तो इसमें ये कहा है कि सभी वैकेंसीज ने जो एग्जाम दिया होगा वो तो अपनी पोस्ट पे बढ़ा सकते हैं, यानी कि वो अपने आप का प्रमोशन करा सकते हैं, पर ट्रैक मेंटेनर कोई प्रमोशन नहीं करवा पाएगा। क्यों नहीं करवा पाएगा? मान लीजिए 100 लोगों की जरूरत है, 70 लोग अभी वहां पर हैं, 30% तो खाली है। ये जो 30 लोगों की ना जरूरत है, इनके लिए फॉर्म नहीं निकाल लेगी, जल्दी जल्दी फॉर्म निकाल के 30 लोगों को रख लिया जाए। ये 30 लोग 30 नहीं है, 2 लाख के करीब है। ये क्या चाह रहे हैं, अब ये 70 भी कम ना हो जाए भाई। इनका इन्होंने क्या करा, पेपर दिया, अब इसमें से 40 बच्चे और अपर लेवल पर चले गए प्रमोशन करा के, तो यहाँ तो सिर्फ 30 रह गए। तो पहले ही इतनी गंदी सेफ्टी है, समझ पा रहे हो भाई? आप 70 लोग काम कर रहे हो, 30 और चाहिए हो, 30 और तो अभी तब आएंगे जब ये फॉर्म निकालेंगे, तो इतना तो पता है फॉर्म तो इन्हें निकालने ही निकालने पड़ेंगे। परंतु अब जैसे GDC वाले इंटरनल एग्जाम होते हैं अपने आप के प्रमोशन के लिए, अब ट्रैक मेंटेनर की जॉब हर कोई छोड़ना चाहता है। अब इन्होंने भाई सारे सारे बच्चे आज के टाइम पे खलनायक टाइप के हैं, कोई भी बच्चा जो चाहे ग्रुप डी में ही जॉब ले रहा है, पर उसकी तैयारी कहीं ना कहीं ऐसी है कि वो इंस्पेक्टर बन सकता है, पर उसकी किस्मत कि भाई ठीक है एक आधे नंबर से इंस्पेक्टर में रह गया या सब इंस्पेक्टर रह गया तो चलो ग्रुप डी कर लेते हैं, परंतु उसकी तैयारी तो अंत लेवल की है। एक बार जॉब लगने के बाद जब वो इंटरनल एग्जाम देगा तो वो प्रमोशन करा ही लेगा। अब प्रमोशन करा के अगर इस 70 में से 40 लोग ऊपर वाली पोस्टों पर चले गए, तो यहाँ 30 तो थे ही नहीं, 40 और चले गए, तो इसमें से मेरे भाई 40 और माइनस कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितने, 30। जहाँ 70 लोगों की वजह से डेली कहीं ना कहीं 70 लोग काम कर रहे हैं, कम लोग होने की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें रेलवे में बनती रहती हैं रोज, कभी कोई एक्सीडेंट या कभी कोई दिक्कत, वहीं अगर सिर्फ 30 आ जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा इनका प्रमोशन ही नहीं होगा। अब एक बात हो, इन बेचारों की क्या गलती, पढ़े लिखे लड़के 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी में लग गए, चलो ठीक है, बट अब उनमें इतनी क्षमता है कि वो आगे प्रमोशन ले सकते हैं, तो क्यों ना हो उनका प्रमोशन, एक बात बताइए आप, क्यों ना हो, उनका होना चाहिए ना। ऐसे तो कोई भी ट्रैक मेंटेनर की जॉब ही नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कल को क्या लगेगा उन्हें, हमारी तो प्रमोशन रोक दी जाएगी। अब उन बच्चों की क्या गलती है, गलती आपकी है, मैं रेलवे से कहना चाहूंगा, आपको जल्द से जल्द ये 30 भी खत्म करनी चाहिए और 30 के अलावा 30 और, जिससे कि अगर यहां से प्रमोशन भी ले लेते हैं तो आपको वैकेंसीज की कमी ना पड़े, आपको लोगों की कमी ना पड़े, तो आप कम से कम नहीं तो कम से कम 1-1.5 लाख वैकेंसी निकालकर जल्दी से आप इन अपनी भी चीजों को सही करें। क्योंकि मुझे समझ आता है जिस तरह से आप इस तरह के नोटिस जारी कर रहे हो, तभी होता है जब बहुत दिक्कतें इंडिविजुअल चल रही होती है। मैं भी एक कंपनी चला रहा हूँ, अपने पास भी 60-70 लोग काम कर रहे हैं, मुझे पता है 70 में से अगर 7 भी कम हो जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत एक साथ बन जाती है, जबकि हमारे तो छोटी मोटी कंपनी है, आप पूरे देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हो। वहां पर अगर 30% जो आप अपने मुंह से कह रहे हो अगर कम है तो ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो बड़े पदों पर बैठोगे हमसे तो ज्यादा ही समझदार होंगे, और कुछ होंगे जो हमसे भी ज्यादा मूर्ख होंगे, बट जो बड़े पदों पे हैं वो हमसे ज्यादा समझदार होंगे। तो इतना तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ा एक लूप होल है। और ऐसा नहीं है हमारे पास लोग की कमी है, लोग हमारे पास हर घर में एक बच्चा तैयार है जो जॉब करना चाहता है, जो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता है, अपने घर वालों को फील कराना चाहता है कि हाँ उसमें दम है, पर उसमें दम है परंतु उसके लिए एग्जाम की कमी पड़ रही है, उसके लिए वैकेंसीज की कमी पड़ रही है, जो कि हमारे देश में इतनी वैकेंसी एक होता है कि है ही नहीं, चलो भाई खत्म हो गई तो बच्चा भी क्या करे, परंतु इतनी वैकेंसीज होने के बाद भी अगर इस तरह की चीज़ हो रही है तो बहुत शर्म वाली बात है। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो हर जो भी रेलवे अधिकारी वगैरह होता है वहाँ तक एक बार पहुँचाई जाए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे रेलवे अधिकारी भी हैं, मेरे जानकारी में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो अच्छे बुरे हर जगह पाए जाते हैं, परंतु जो अच्छे लोग हैं वो इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये सभी आपके बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं आप देखिए हम दूसरे देशों के लड़कों और बच्चों को देखकर खुश रहते हैं, कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, अरे उनकी जिंदगी देखकर हमें खुशी हो रही है, क्यों ना अपने घर में जो बच्चा है उसकी जिंदगी संवारी जाए। तो काम करते हैं अपने घर के, अपने बच्चों पर, अपने बच्चों पे काम करके उनकी जिंदगी संवारने पर। तो आप समझिए ये हमारा घर है, हमारा देश है, और हमें ही इस पे काम करना होगा, और हर एक को मिलकर इस पे काम करना होगा। और गाइस इसके अलावा आप सभी के प्यार मोहब्बत से एक कॉलेज ओपन करा है,
और जैसा कि बहुत सारे बच्चे मैं आपको दिखाऊंगा आए और बहुत सारे मिले और बहुत सारा उन्होंने प्यार भी दिया। रीजन क्या है प्यार देने का, जैसे बिहार में बहुत ज्यादा फीस ली जाती है बीएड बीटीसी वगैरह की, और हमने आधे से भी कम फीस में उनका यहाँ पे एडमिशन। तो ये आगरा में हमने कॉलेज खोला है, यहाँ पर हम बीएड बीपीएड बीएडी फार्मा एमएड डीएलएड यानी बीटीसी एमएबीएससी सारी चीजें करा रहे हैं। उसके अलावा हम गुरुकुल भी ओपन कर रहे हैं, गुरुकुल यानी यहीं पर रहकर आपको सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी कराई जाएगी। एक बार सर कल से यहाँ पे एक बैनर उसका लगा दें, कोई अगर यहाँ पर आकर हमारे पास आके देखिए, आप समझिए इतना बड़ा हमारा ग्राउंड हुआ पूरा, बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे आके आप आके पूरा बहुत बड़ा आगे तक का दिखाई नहीं, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आइए शांति में बैठ के आप और हम पढ़ेंगे और आपके सिलेक्शन को पक्का करेंगे। और उसके अलावा एक गूगल फॉर्म है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, ईमेल आईडी पे जाना है, ईमेल मतलब सॉरी गूगल फॉर्म खोलना है, ईमेल आईडी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, नेम भर देना है, फोन नंबर भर देना है, आपको किस राज्य से भर देना और इन सब में से क्या क्या करना चाहते हो। जैसे आप गुरुकुल में भी एडमिशन लेना चाहते हो, सरकारी नौकरी तैयारी करना चाहते हो, या फिर डी फार्मा बी एड डी एल एड एड बी एड एससी जो भी करना चाहते हो उसको भर दीजिए, हमारी टीम आपसे फ़ोन कर लेगी। और साथ ही साथ फ़ोन क्यों करेगी, क्योंकि जिससे आप इसको डिस्कस कर पाओ सर कैसे कैसे कोर्स होगा क्या फीस रहेगी, वो सारी चीज़ फ़ोन पर डिस्कस रहेंगी। उसके अलावा 4 सितंबर को मेरे भाई आप सभी के लिए एक इन्विटेशन है, हम जो ये ओपन कर रहे हैं कॉलेज में एडमिशन तो शुरू हो चुके हैं पर एक पूजा होती है उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं और ज़्यादा तगड़े तरीके से जो भी बुरी शक्तियाँ हैं जो प्रभाव होते हैं सारे खत्म हो गए, अच्छे अच्छे काम होते हैं। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आपके पेरेंट्स का, आइए यहाँ पर सब आके अपना प्यार दीजिए, बड़े आकर आशीर्वाद दीजिए। और इसके अंदर अगर हमने अतिथि भी रखे हैं तो आप देख सकते हो अतिथि रखा है यहाँ पर, तो हमने अतिथि भी सभी प्रिय शिक्षक गण को रखा है और सभी छात्र छात्राओं को हमने पर विशिष्ट अतिथि रखा है। तो आप सभी को आना जरूर है क्योंकि ये आपका अपना कॉलेज है, आपका अपना गुरुकुल है। आइए यहाँ पर आकर जितने भी बच्चे आसपास है आगरा के आप आइए। अगर आपको लगता है कि सर कोई ऐसा है कि अगर हम आने में दिक्कत हो क्या सर्च करें, तो टॉप तक गुरुकुल सर्च कर लेना, TOPTAK टॉप तक गुरुकुल, या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, एड्रेस मांग लेना, लोकेशन भेज दी जाएगी आपको। अब आकर यहाँ पर आकर मतलब आइए बात करते हैं। और ये आपके लिए मैंने यहाँ पे निमंत्रण आपको ऑनलाइन दे दिया क्योंकि मुझे बहुत सारे अब बच्चा है तो सभी बच्चों को मैं एक साथ यहाँ से निमंत्रण दे रहा हूँ। तो सर हाथ जोड़ के विनती है सभी, आपका अपना घर है, आपका अपना। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।